मुर्तजा जरा बताइएगा, हसन नवाज के जो बैंक्रप्सी वाला केस है उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या एग्जैक्टली केस है और क्या ये उसी तरह है जैसे अमेरिका में तो बहुत कॉमन है कि अपनी लाइबिलिटीज से जान छुड़ाने के लिए आप बैंक्रप्सी जो है वो फाइल कर देते हैं क्योंकि इन द एंड आपको पेमेंट ना करनी पड़े, सो इट्स वेरी कॉमन देयर, इज इट दैट, क्या केस है प्लीज बताइएगा जरा। जी एग्जैक्टली, ये बिल्कुल जो लाइबिलिटीज से जो है जान छुड़ाने का केस है। मैं देख रहा था कि बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट हुआ कि ये टैक्स इवेजन का केस है, टैक्स इवेजन नहीं है। टैक्स इवेजन अगर हो तो टैक्स इवेजन में आपको क्राउन प्रोसिक्यूशन आपको प्रोसिक्यूट करती है और आपको जेल जाना पड़ता है, ये है सिविल केस है। यहाँ पे जो लाइबिलिटी है, जो कंपनी लाइबिलिटी है, बल्कि इसमें जो हसन नवाज है, जो पर्सनल उनकी लाइबिलिटी है, ये वो उनकी कंपनी के ऊपर जो था उसने अपने आप को उन्होंने बैंकक्रप्ट उन्होंने डिक्लेयर करवाया। और अगर इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं जी प्लीज, तो ये जब हसन नवाज को बैकग्राउंड से पहले ये मैं सॉरी आपकी बात कर, अमाउंट कितनी है जिस पे उन्होंने बैंकक्रप्टसी अब डिक्लेयर किया, कितनी अमाउंट पेएबल थी सर, वो जरा अमाउंट सामने नहीं आ रही, अगर मैंने कोई मिस किया है कहीं पे अमाउंट कितनी अभी तक नहीं सामने आ रही, लेकिन मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और जल्दी आपको मैं वो वाला भी पूरा जो केस काम होता तो इसी पेमेंट वो आसानी से कर लेते, ये अक्यूमुलेट हुई में बहुत ज्यादा पैसे, आई वुड इमेजिन की ये समथिंग अराउंड 10 मिलियन या उससे ज्यादा की हो सकती है। अच्छा, हसन नवाज की या शरीफ फैमिली की वक्त का बंदा इससे कम से कभी अपने नाम के ऊपर बैंकक्रप्टसी ना लेता। और बैंकक्रप्टसी भी यहाँ पे जैसे आपने पहले कहा कि ये जिस तरह अमेरिका में जो लाइबिलिटीज से जान छुड़ाने के लिए किया जाता है, एग्जैक्टली ये डेटा कॉपी है यहाँ पर भी होती है, वेस्टर्न यूरोप में और इन ममालिक में भी उसी तरह होता है। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि 6 ईयर तक के लिए आपका जो बैंक अकाउंट में आप पैसे नहीं रख सकते, 6 ईयर के लिए आप कोई कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकते, और है ये सिविल केस, 6 साल के बाद आपको क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पे और भी बहुत सारे कानून आ रहे हैं इस हवाले से हुकूमत इन लूपहोल्स को वो स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन बहरहाल जो बैंकक्रप्टसी जो सिंपल टर्म्स में वही लोग लेते हैं जो जिनके ऊपर, यहाँ अच्छा एक और तरीका है कि बहुत सारे लोग जो केसेज आ जाते हैं डेफामेशन केसेज आ जाते हैं दूसरी खोल के फिर अपनी माजी में होती रही है चीजें, फेयर इनफ। लेकिन जरा ये हमें इसका ये बताएगा, केस जो है अप्रैल का है अगर मैंने ठीक पढ़ा है, अप्रैल का केस अब हमारे सामने आ रहा है, नंबर वन कि ये मतलब 5-6 महीने अगर किसी को पता नहीं चला खबर आप सामने आई है, दूसरा ये है कि आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई उनके हसन नवाज से, उनकी फैमिली से साफ जरा आप मिलते रहते हैं, बीइंग ए जर्नलिस्ट आप उनसे वर्जन भी लेते हैं, कोई वर्जन लेने की आपने कोशिश नहीं की कि क्यों बैंकरप्सी डिक्लेयर की है और कितने पैसे हैं या क्या इतनी कैलकुलेशन की होगी ऑफकोर्स उन्होंने जो आप 6 साल वाली बता रहे हैं, कोई रब्ता नहीं हुआ आपका उनसे सर? मैंने उसी वक्त उनको अपना उस क्वेश्चन लिख के भेज दिए थे जब हमारे स्टोरी कल सबसे पहले जो जियो पे चली थी उससे पहले, लेकिन उनका जवाब ये आया कि वो ट्रेवल में है और वो इस हवाले से रब्ता करेंगे और अभी तक उस उन्होंने जवाब तो नहीं दिया। लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्जन तो वो भी इसके ऐसे केस है, मतलब बंदा क्या वो इंटरव्यू देंगे, वो तो बहुत क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड है कि वह क्या, और वो जो जो गजट है ऑफिसियल गजट है उस पर खबर आ गई जो है। अच्छा, ये खबर तो वही वाली बात अप्रैल की स्टोरी थी, मतलब वो थी वो लेटर था या गजट था, तो अब आया आप तक, मतलब आप खबर पर बाजवा होती है, खबर बहुत बड़ी है नो डाउट, तो लेकिन ये थोड़ी सी 5-6 महीने मतलब है उन्होंने छुपाए रखी, छुप गई या रिपोर्टर्स को नहीं पता चला? यहाँ तक खुलासा था, मुझे जरूर पता था कि उनका जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट है रोल बिल्डिंग है वहां पे कोई केस चल रहा है, लेकिन केस की एग्जैक्ट नेचर क्या थी ये नहीं पता चल सकी थी, इसलिए कि यहाँ पर लोगों के मुख्तलिफ मामलात वो कोर्ट कचहरी में ही होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट ये क्या इंसॉल्वेंसी की तरफ जाएगा फ्रेंकली कि किसी को नहीं पता था, ये मुझे जरूर किसी ने इन्फॉर्म किया था कि हसन नवाज का जो टैक्स लाइबिलिटीज के हवाले से कोई केस है। लेकिन ये केसेस तो ये भी मुझे बताया गया था कि ये जो कोविड के बाद जो कोविड आया था उस वक्त हसन नवाज का बिजनेस था उसने सफर किया था, ब्रेक्सिट था फिर कोविड था, फिर हसन नवाज के अपने हेल्थ के बड़े सीरियस इश्यूज चल रहे थे, यहाँ तक तो जनरल नॉलेज था, लेकिन ये अंदाजा
किसी को नहीं था कि वो इवेंचुअली मतलब अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, आपको मुर्तजा याद होगा, आप स्टोरी फॉलो करते रहे, हम भी यहाँ से करते रहे, कि जब ये एवन फील्ड फ्लैट्स का मामला आया था तो उस वक्त भी हसन नवाज के इंटरव्यू ने प्रॉब्लम पैदा किए थे। इफ़ यू रिमेंबर बीबीसी के साथ जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था मुझे रेंट पे रह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें पहले बयान थे, शायद हमारी प्रॉपर्टी है। उस वक्त भी मेरा ख्याल है हसन नवाज का जो इंटरव्यू था तो वही वो शरीफ फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक बना था। फिर उनका एक अपने आप को डिक्लेयर करना बैंकक्रप्ट अनदर एक स्कैंडल आएगा शरीफ फैमिली पे, इनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन या इनकी बिजनेस इंटेग्रिटी पे। देखिए ये वाला तो मैं समझता हूँ कि देखिए वो तो उस वक्त जो उन्होंने वर्जन दिया था, देखिए वो उन्होंने लीगली ठीक कहा था कि वो रेंट पे रह रहे हैं। होता ये है कि यहाँ पे जो अमीर लोग हैं उन्होंने देखे उनके घर यूके में है, उन्होंने उनको रजिस्टर करवाया है, वो ऑफशोर में, ऑफशोर में वो कंपनी से कंपनी को लीज किया हुआ है, फिर मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करके एक ही बंदे ने पाकिस्तान में तो आम आदमी नहीं समझता ना सर, ये तो लीगैलिटीज हैं, ये तो कवर है ना, लेयर्स हैं डिफरेंट, वो जो ऑफ शोर होती हैं। फिर आम आदमी तो सीधा सीधा समझता ना कि देखे अपने घर में रह रहे हैं और कहते हैं हम किराए पे रह रहे हैं, आम आदमी तो ये समझते हैं पाकिस्तान। एग्जैक्टली, वो तो आज भी लोग वही पूछते हैं, लेकिन जहाँ पे देखे अपने नाम के ऊपर बैंकरप्सी ले लेना ये बहुत बड़ा स्टेप है, और खासतौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है, मतलब आप वहां पर प्राइम मिनिस्टर आपकी चाचा है, आपके वालिद एक्चुअली डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर भी है, मामलात मुल्की चला रहे, और आप मतलब अगर तो नाम के ऊपर आप बैंकरप्सी ले रहे हैं तो ये यानी बहुत ही दो बातें, एक तो बहुत ही लेट बैंक अप्रोच है ठीक, और दूसरा ये पॉलिटिकली मतलब इमेज के हवाले से डेवास्टेटिंग है। अच्छा, आपने हमें क्योंकि लेट ज्वाइन किया था जो आपका टाइम हम थोड़ा सा खुद खा गए, तो पूछना तो चाहेंगे लास्टली थोड़ा सा अगर कोई बताएं कि अभी जो यूके फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से लेटर लिखे अपने एम पीज को जवाब दिया, उसमें उसको कैसे देखते हैं कि पहली दफा कोई मुल्क है यूरोप में हो या पूरी दुनिया में फर्स्ट कंट्री जिनके फॉरेन सेक्रेटरी इमरान खान साहब के हवाले से अपनी उन सपोर्ट का भी उन्होंने इंडिया दिया है, मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ बात किया, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हूँ, इलेक्शन वगैरह दीगर चीज़ें, इसको आप कैसे देखते हैं कि यूके की पॉलिसी में चेंज आ रहे हैं, माजी की जो हुकूमतें थी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी खान साहब में, ये न्यू जो उनकी आई है लेबर पार्टी आई है तो इनकी अप्रोच में चेंज है, खान साहब की तरफ सिंपथेटिक हैं ये और कुछ कर पाएंगे, रिहा करवा लेंगे? ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो खत है मैंने वो इसके ऊपर स्टोरी भी की है, ये जो देखे उसमें दो बातें वो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इंडिकेशन नहीं आई कि मिलिट्री ट्रायल होगा। अच्छा, तो एक और बात है कि यहाँ पे ये कि बरतानवी हुकूमत का फॉरेन सेक्टर के लेवल पे जवाब देना यस ये सक्सेस है, ये किसी मुल्क ने एक्चुअली हुकूमत के लेवल पे जवाब दिया नहीं, यूके पहला मुल्क है। दूसरा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तक मिलिट्री ट्रायल से इंडिकेशन नहीं है, लेकिन उसके अलावा पूरा लेटर ये है वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, खान साहब को तो 1.5 साल तो से ज्यादा जेल में हो गया है, अब तक की जो उनकी हुकूमतें थी, इवन यहाँ का जो उनका स्टाफ था डिप्लोमेटिक, वो मतलब जाके मिल रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन कभी ओपनली उन्होंने नहीं किया था, FCO ने कभी इस पर बात नहीं की थी, ये फर्स्ट टाइम है कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला है और बड़ा खुल के बात किया, स्पेशली मिलिट्री ट्रायल पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, ह्यूमन राइट से रिलेटेड चीजों पर। So, इस पॉलिसी चेंज तो है, पहले ले वो बैकडोर चैनल से अप्रोच कर रहे थे हुकूमत को या फौज को, अब की दफा तो डायरेक्ट बात की उन्होंने सर, इट्स अ बिग चेंज। देखिए 20 इन्फ्लुएंशियल एमपीज ने उन्होंने खत लिखा, ये खत अरेंज करवाया जुल्फी बुखारी ने, और ऑब्वियस जिन जो एमपीज इन्वॉल्व है उसमें जो करंटली जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग है, और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ से उन पर प्रेशर था, ऑब्वियसली उन्होंने पूरी एक एफर्ट लगाई और उसका जवाब इस हद तक उन्होंने जरूर जो फॉरेन सेक्रेटरी को एंगेज करवाया ठीक। तो पहले हुकूमत तो रब के मुकाबले में डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक फॉरेन सेक्रेटरी का जवाब देना ही पॉजिटिव क्वाइट सिग्निफिकेंट, जवाब जरूर देते हैं और कभी कभार वो इससे बहुत ज्यादा माइल्ड जवाब भी दे सकते थे, लेकिन इस हद में उन्होंने ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके से फॉलो अप लेते रहेंगे, लगता है पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान की खबरें लंदन में हैं, आपसे हम फॉलो अप लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, वेरी काइंड।